मुझ पे एक ताज़ा मोहब्बत की नमी है, वरना खुश्क लकड़ी का कहाँ इतना धुआं होता है। उर्दू अदब से मोहब्बत रखने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आज के इंतखाब में जिस शायर का कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उनके कलाम की ताजगी और खूबसूरत मज़ामीन जदीद अहद में मुनफरद हैसियत रखते हैं। बहावलपुर शहर से खूबसूरत असलूब के शायर मेरे दोस्त पारस मज़ारी साहब के कलाम से उनकी दो मुंतखब गज़लें आपकी समातों की नज़र। किसी भी झील की शफाफियत के बाद मुझे, किसी भी झील की शफाफियत के बाद मुझे तुम्हारे हाथ की नीली रगें हैं याद मुझे। किसी भी झील की शफाफियत के बाद मुझे तुम्हारे हाथ की नीली रगें हैं याद मुझे। मैं जानता हूं कि लबरेज है मेरा दरिया, मैं जानता हूं कि लबरेज है मेरा दरिया। अभी पिघलने से बेहतर है इंजमाद मुझे, मैं जानता हूं कि लबरेज है मेरा दरिया। अभी पिघलने से बेहतर है इंजमाद मुझे, ये लोग रखते नहीं हैं समाते ताज़ा, ये लोग रखते नहीं हैं समाते ताज़ा। कहाँ मिलेगी मज़ामीने नौ की दाद मुझे, कहाँ मिलेगी मज़ामीने नौ की दाद मुझे। बिखेरती है मुझे और मेरी यकसुई, बिखेरती है मुझे और मेरी यकसुई। समेट लेता है आखिर मेरा तजाद मुझे, ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे। कि तुझ पे खुद से ज्यादा है एतमाद मुझे, ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे। कि तुझ पे खुद से ज्यादा है एतमाद मुझे, किसी भी झील की शफाफियत के बाद मुझे तुम्हारे हाथ की नीली रगें हैं याद मुझे। शुरू से ही अगर सर पे पुख्ता छत होगी, शुरू से ही अगर सर पे पुख्ता छत होगी, तो सर्दो गर्म कहाँ सहने की सकत होगी। शुरू से ही अगर सर पे पुख्ता छत होगी, तो सर्दो गर्म कहाँ सहने की सकत होगी। चराग हम भी रहे हैं नए नहीं हो तुम, चराग हम भी रहे हैं नए नहीं हो तुम। तुम्हारी लौ से भी एक रोज माजरत होगी, चराग हम भी रहे हैं नए नहीं हो तुम। तुम्हारी लौ से भी एक रोज माजरत होगी। रफू गरी का तकल्लुफ न कीजिए मुझ पर, रफू गरी का तकल्लुफ न कीजिए मुझ पर। नए सिरे से मुकम्मल मेरी बुनत होगी, रफू गरी का तकल्लुफ न कीजिए मुझ पर। नए सिरे से मुकम्मल मेरी बुनत होगी। किया गया है मोहब्बत का मुझसे इस्तफसार, किया गया है मोहब्बत का मुझसे इस्तफसार। मैं तेरा नाम ना लूं तो मुनाफकत होगी, मैं तेरा नाम ना लूं तो मुनाफकत होगी। ये बाग उगाया गया है तुम्हारी छाँव में, ये बाग उगाया गया है तुम्हारी छाँव में। सो पेड़ जैसी हर एक शाख में सिफत होगी, सो पेड़ जैसी हर एक शाख में सिफत होगी।
शुरू से ही अगर सर पे पुख्ता छत होगी तो सर्दो गर्म कहां सहने की सकत होगी।